मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है, हिंदुस्तान की आजादी खादी में ही है, हिंदुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है, हिंदुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं वह अहिंसा खादी में ही है और हिंदुस्तान के किसान जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं उनका कल्याण भी खादी में ही है। मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों से पहुंच सकता हूं मैंने पत्र लिख करके पहुंचने का प्रयास किया। वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाइयों बहनों तक पहुंचने का प्रयास किया है। खादी अब एक सिंबल बना है, एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और खास करके जो जो होलिस्टिक हेल्थ केयर और ऑर्गेनिक की तरफ झुकाव रखते हैं उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है। फैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। खैर, मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है प्राकृतिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है, उसका साल बर्बाद हो जाता है। उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय भी तो ध्यान में आता है और वो है फसल बीमा योजना। 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा किसानों को दिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन ये योजना की तारीफ हो, वाहवाही हो, प्रधानमंत्री को बधाइयां मिले, इसके लिए नहीं है। इतने सालों से फसल बीमा की चर्चा हो रही है लेकिन देश के 20-25% से ज्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उसके जुड़ नहीं पाए हैं। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल में हम कम से कम देश के 50% किसानों को फसल बीमा से जोड़ सके? बस मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि अगर वो फसल बीमा के साथ जुड़ता है तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इतनी जन स्वीकृति मिली है क्योंकि इतना व्यापक बना दिया गया है, इतना सरल बना दिया गया है, इतनी टेक्नोलॉजी का इनपुट लाए हैं। और इतना ही नहीं, फसल